आप मघी में देखते हैं खूब सैड गाना करते रहते हैं, शराब उराब का सीन दिखाते रहते हैं, कभी पीते हैं शराब? हाँ, मघी में तमाम कलाकार हैं, लेकिन आशीष यादव किनको कंपटीटर मानते हैं? ना, गुंजन सिंह, रोशन, रोहित तमाम लोग हैं, किन्हीं से डर लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल जाए कोई कलाकार? डरेंगे का है, डरेंगे का है? यानी किसी लड़की का ड्रीम रहे कि हम आशीष यादव के साथ में काम करेंगे तो बेड शेयर के माध्यम से लोग काम देते हैं, क्या मघी में भी हमारा ऐसा कुछ होता है? आप मघी के टॉप कलाकार हैं, अभी काफी दिन से इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कभी दिल कभी किसी से लगा है? आपसे सवाल कर रहे हैं, नाम नहीं पूछे, खाली ये लगा या नहीं? दिल देखिए, हम एक ही जन से लगा बैठे हैं, बस वही सब कुछ है, बाकी किसी से दिल नहीं लगेगा। यानी अभी फिलहाल में आशीष यादव जिस चीज पे हाथ रख दे वो आशीष यादव का हो जाएगा, मानते हैं कि नहीं चीज को? उड़वे पक्षी मा होतो तोर सिंदूर दान गे, अमरल रहतो धरल उतर दखिन जान तोर धुइया उड़तो आसमान। नमस्कार, मैं संतोष, आप लोग देख रहे हैं अनोखे न्यूज, और आज हमारे साथ मघी के जाने माने कलाकार आशीष यादव जी जुड़ चुके हैं, जो कि काफी दिन के बाद जुड़े हैं, गाना भी सुनेंगे और खास करके मघी इंडस्ट्री में जो चल रहा है कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। भैया स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अनोखे स्टोरी न्यूज के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोतागण देख रहे हैं सबको प्रणाम। देख रहे हैं भैया कि जो भी गाना आ रहा है आपका, वन दिन में यानी एक दिन में कर मिलियन क्रॉस हो जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है, क्या सोचते हैं? क्या सोचेंगे, बस गा रहे हैं, ऑडियंस का प्यार है, आशीर्वाद है, वो दिख रहा है। जी जी, कहीं ना कहीं आपके सामने खेसारी लाल यादव जी ट्रेंडिंग स्टार हैं, अभी फिलहाल में फीके पड़े हुए हैं। नहीं, फीका कैसे पड़ेंगे, जैसे ठीक है, गाना बज रहा है, चल रहा है, फीका कोई नहीं पड़ता, ठीक है, सब अपना अपना गा रहे हैं, चला रहे हैं, तो अच्छी बात है, बाकी बात वो उनका एक लेवल अलग है, मेरा एक लेवल अलग है। आपका भी लेवल कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हाँ, बढ़ रहा है, लेकिन कुछ भी है तो वो एक अलग जगह पे हैं, हम एक अलग जगह पे हैं। जी जी, उनको भी ट्रेंडिंग स्टार कहते हैं, आपको भी कुछ फैंस लोग बोलते हैं ट्रेंडिंग स्टार मघी के, जी क्या आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, देखिए हम ऑडियंस का है ना जी, हम वो जो उन्हीं का सारा नाम दिया हुआ है, आज आशीष यादव भले घर से नाम मिला मुझे, अच्छा, लेकिन नाम ये बनाने वाला है कौन? ऑडियंस है, तो फिर वही ना नाम दे, अभी बहुत सारा नाम आपको बता दे रहे ना, ट्रेंडिंग स्टार, अच्छा, मघी किंग, अच्छा, तो क्या क्या बहुत सारा नाम मिला है मुझे अभी, तो पब्लिक का प्यार है, तो कहने प्यार है। कुछ गुनगुनाइए जो सैड गाते रहते हैं आप। गाना एक ठो अभी मेरा पटनवा वाला आया है, जो बहुत ब्लास्ट गया गाना जी, गाना कि अगे अखहरी हौ हमर यार मनावा तो एक बेर बात कर लेगे, कि अगे सोना यारावा हो अभरती पटनावा में आके मुलाकात कर लेगे। जी, बहुत ही बवाल गाना है ये, गुंजन सिंह के राइटर थे अमनन बेला, उनको भी क्या कुछ लोभी दे दिए कि अपनी ओर खींच लिया और पहला ही गाना दिए जो कि हिट हो गया, इतना बवाल मचा दिए। नहीं, लोभ किसी को दे के, देखिए एक तो होता है झांसा देना, झांसा दे के किसी को आज तक हम रखे ही नहीं है, जो भी होता है ठीक बात है। देखिए आपको हम एक बात बताते हैं, आप मेरे पास आए जी, तो हम आपको जो चीज़ आप कह दिया मना नहीं करते, आप देखते हो, हाँ, ठीक ना, तो अमन भैया आया, तो अमन भैया गाना लिखे, तो उसका गाना हम क्यों नहीं गाएंगे, हम सबका गाना गाते हैं, तो अमन भैया का गाना लिखा हुआ था तो उनको हम इग्नोर कैसे करेंगे? पहला ही गाना था ना वो? हाँ, वो पहला गाना था और उतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। हाँ, वो गाना मेरे लिए लिख के बहुत दिन से रखा था वो, और भैया रखे थे मेरे लिए कि आशीष से गाएंगे ये गाना, तो ठीक है जब भैया दिए तो हम गाए गाना। जिस प्रकार से अभी मघी में दौड़ चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आशीष यादव ही बज रहे हैं, क्या लगता है कि ये दिन हमेशा रहे आशीष यादव के लिए? देखिए कौन नहीं चाहेगा जी, सबको ही चाहेगा, और हम हमेशा इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि हम चाहेंगे कि ये जगह हमेशा बरकरार बना रहे जी। मेहनत करने में तो आप पीछे नहीं हटते, ये चीज़ हम भी देखते हैं। हाँ, नहीं देखिए काम के प्रति पीछे हम कभी नहीं हटते हैं। यानी अभी फिलहाल में आशीष यादव जिस चीज़ पे हाथ रख दे वो आशीष यादव का हो जाएगा, मानते हैं कि नहीं चीज़ को? नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक का प्यार मिल रहा है इतना? पब्लिक का प्यार है, मानते हैं, वो पब्लिक के द्वारा इसे कुछ हो सकता है, मेरा कुछ कहाँ है, हम हाथ जहाँ रख देगा वहाँ कैसे हो जाएगा? जो चीज़ आपके पसंद आ जाए कि नहीं हमको ये चीज़ लाना है अपने घर। हाँ, वो चीज़ एक अलग वाली बात है। अब चाह आदमी एक तो कहावत सुनेंगे, मरता क्या नहीं करता, जब ठान लेंगे कि हमारा वही चीज़ करना ही है तो कर भी करेंगे वो जी। फॉर्चूनर के बाद क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है?
अच्छा अभी क्या होता है, फिर उसी तरह फॉर्चुनर जिस तरह लाए उसी तरह अचानक आएगा तो पता चलेगा, अब अभी नहीं बोलेंगे हम, यानी बोल के नहीं करके दिखाइएगा। आपसे एक सवाल रहेगा पर्सनल, मगी के कहीं ना कहीं आप अच्छे कलाकार हैं, आपके काफ़ी सारे फैंस हैं, लेकिन आपके साथ में जो मॉडल काम करते हैं कौन डिसाइड करते हैं कि ये काम करेंगे हमको साथ, आप करते हैं कि जो डायरेक्टर रहते हैं तो फिर कंपनी के मालिक रहते हैं, कौन डिसाइड करते हैं? जो वीडियो डायरेक्टर वो हम क्यों करें, आप नहीं करते हैं? नहीं। अगर किसी लड़की को आपके साथ काम करने के लिए लालच रहे तो क्या कुछ करेगा कि आपके साथ काम करें? देखिए जब आप लोग जब इंटरव्यू करते हैं कोई लड़की को देखते हैं ना कि नहीं इसको काम करने का शौक है जी, तो हम कौशल को बोल देते हैं जी, जो भी मेरा वीडियो डायरेक्टर है बोल देते हैं कि ये लड़की काम करने के लिए खोज रही है तो इसको लाइनअप कर लो। अच्छा ठीक ना, उसको बोलते तो वो करता है, बाकी बात काम सबों के साथ करते, सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशन अच्छा प्यार आदा चल रहा है। ठीक है जी, टैलेंट के आधार पर देखते हैं या तो फिर इंस्टा पर फैन फॉलोइंग देते हैं, नहीं तो फिर एक और ऑप्शन आता है जो कि कहा जाता है काफ़ी भोजपुरी में चर्चा रहता है कि बेड शेयर करके माध्यम से लोग काम देते हैं, क्या मगी में भी हमारा ऐसा कुछ होता है? आप मगी के टॉप कलाकार हैं। आज तक हुआ तो नहीं है शायद। अच्छा, मेरे हिसाब से अब आगे कौन कौन करता है क्या करता है वो मुझे नॉलेज नहीं है, ये मेरा टीम में नहीं। यानी किसी लड़की का ड्रीम रहे कि हम आशीष यादव के साथ में काम करेंगे तो क्या कुछ उपाय है बता दीजिए? उपाय बहुत है, मेरा इंस्टा आईडी है। अच्छा। उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कौशल बबुआ का है उस पर भी कर सकती है, या फिर नंदन भैया का है, सबका मेरा टीम का तो हर एक जन का इंस्टा आईडी, किसी पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ काम मिल जाएगा। एक और सवाल, आप मगी में देखते हैं खूब सैड गाना करते रहते हैं, शराब उराब का सीन दिखाते रहते हैं, कभी पीते हैं शराब? हाँ शराब के पीता है। खेसारी लाल यादव कहते रहते हैं कि हम कभी कभी मार लेते हैं, पवन सिंह का भी चर्चा रहता है कि वो शराब पीते हैं, लेकिन आशीष यादव क्या पीते हैं? हो सकता है, लोग अपना अपना जैसे प्राइवेसी अपना जीवन है। हाँ। क्या करता है नहीं करता है वो चीज़ मीडिया में कोई कैसे शेयर करेगा। हाँ। लेकिन आप बोले कि खेसारी भैया ऐसे कहते हैं। हाँ। लेकिन हम जो चीज़ करते ही नहीं वो कैसे परोस दें हम? यानी आप नहीं शराब पीते हैं? नहीं नहीं, हम देखे वीडियो में देखते रहते हैं, ले लेके घूमते रहते हैं। सैड सॉन्ग है वो चीज़ दिखाना पड़ता है, लड़का का दिल टूटता है तो क्या करता है वो शराब पी के पागल हो जाता है। हाँ। गम कुछ बांटने के लिए कि किसी तरह से मेरा गम हट जाए जी। ठीक ना, तो वो सब चीज़ जो वीडियो डायरेक्टर जी हो गए कोरियोग्राफर जो बताएंगे तो वो तो करना पड़ेगा। हाँ, ना तो एक्टिंग करना तो बस यही। और रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है? बहुत अंतर है जी। और जैसे कि अभी काफ़ी दिन से इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, कभी कोई ऐसा लड़की आया जिसे लगातार काम करते हैं देखते हैं कोई कलाकार के साथ में काफ़ी दिन बिताते हैं शूटिंग पर, या तो फिर कभी दिल कभी किसी से लगा है आपसे, सवाल कर रहे हैं, नाम नहीं पूछे खाली ये लगा या नहीं? दिल देखिए हम एक ही जन से लगा बैठे हैं, बस वही सब कुछ है, बाकी किसी से दिल नहीं लगेगा। जो वाइफ है उनसे बस। आगे इतना लगातार शूटिंग में व्यस्त रहते हैं, कभी तो कोई ऐसा दिखा होगा शूटिंग पे या तो कहीं मार्केट में? अरे दिखना तो है, देख तो रहे कर रहे हैं हम सब, सबको देखते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ा ना है कि कोई लड़की एकदम पूरा देखने में अच्छी है वो तो मतलब कि ठीक है काम करने आए काम करेगी वो जाएगी फिर अपना मेरे हम है ना मेरा काफ़ी उधर सब। अच्छा वहाँ पे आप खुश हैं? हाँ ठीक है। काफ़ी दिन से देख रहे हैं चर्चा चल रहा है कि फिल्म उलम के बारे में, काफ़ी लोगों का जो मगही ऑडियंस है उन लोगों का भी चाहत है कि अब मगही में एल्बम खूब हो गया, आप थोड़ा फिल्म की ओर चला जाए, फिल्म भी देखने के लिए लोग इच्छुक हैं। हाँ तो क्या सोचते हैं? देखिए ना जब जैसा होगा उस टाइम बताएंगे, हम पहले तो कह ही रहे हैं कि जब होगा तो पता चल ही जाएगा। गाना भी आप खून खतरा वाला शूटिंग करते हैं तो लोग सोच लेते हैं कि आशीष यादव का फिल्म का शूटिंग चल रहा है। देखिए हम बता रहे हैं इसको अभी ऐसे रखिए क्लोज रखें, एक बार जाने टीजर एक बार एक लॉन्च होगा क्या मानते हैं? हाँ ये फटेगा एक दिन टीजर आएगा डायरेक्ट। और कुछ गुनगुनाइए, एक गाना भी खूब ज्यादा बज रहा है कन्यादान मैक्सो म्यूजिक पर जो आया है। हाँ वो गाना से था कि पूरा वे पछी म होतौ तोर सिंदूर दानगे, पूरा वे पछी म होतौ तोर सिंदूर दानगे, अमरल रहतौ धरल उतर दखिन जान तोर धुइया उड़तौ आसमान। लगातार सैड सॉन्ग ला रहे हैं भैया। हाँ। सिर्फ बेवफाओं के लिए ला रहे हैं, जो युवा हैं जो रोमांटिक गाना सुनना चाहते हैं उसके लिए नहीं ला रहे हैं? उसके लिए भी है, लेकिन क्या है ना मेरा सैड सॉन्ग का ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और क्या है जितने भी हमारे कंपनी वाले हैं वो लोग को पता नहीं क्या हो गया है सैड सॉन्ग पे, सब बोल रहे हैं आशीष भाई सैड सॉन्ग सैड सॉन्ग, मुझे गाना पड़ता है। हम खुद जो है ना
नहीं, मैं इच्छा करता कि अब हम ज्यादा रोए, कितना रोए वो बात सही है, गाएंगे अपना एक ही दिल है टूटेगा कितना बार। तो मगही में तमाम कलाकार हैं, लेकिन आशीष यादव किनको कंपटीटर मानते हैं? ना गुंजन सिंह, रोशन, रोहित तमाम लोग हैं। नहीं ठीक है, सब सब अपने जगह पर ठीक है, आप अपने जगह पर ठीक है। हाँ, कभी ना लगता है कि वो किन्हीं से डर लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल जाए कोई कलाकार? डरेंगे का है, डरेंगे का है, कभी सोचते हो ऐसा नहीं? सबसे बड़ी चीज़ है हम उसका गर्दन लेके किसी का थोड़ू ना गा रहे हैं, हम अपना गर्दन से गा रहे हैं, अपना मेरे पास जो आवाज़ है हम उसके बदौलत है ना जी। हाँ, हम अपना ऑडियंस के बदौलत, डरेंगे क्यों? यहाँ तक आए डरने के लिए? नहीं तो बस जी, जो लोग देख रहे हैं जाते जाते क्या कुछ कहिएगा? बस आप लोग आजीवन प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए, मेहनत जारी है, धमाका होते रहेगा। एक एक गाना रोमांटिक सैड गाना बहुत हो गया, रोमांटिक गाना जो आपको अच्छा लगे। की बारे नहीं बती भूख भाक ले ले रे चुप चाप, किस तरह से गाना है? कि खेते खेते हम अयली औगे नुकनाक, आ खेते खेते हम अयली औगे नुकनाक, आ ज्यादा देरी हम करबो नहीं रुक राख, आ बारे नहीं बती भूख भाक ले ले रे चुप चाप, इस तरह से जी जी। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा खूब ज्यादा शेयर करिए, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए बाय।